हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं, आज सैटरडे है और आज हम लोग जा रहे हैं भाइयों की और आद्यू की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आद्यू 5 साल की हो गई है, तो जो 5 साल पर जो वैक्सीनेशन इसका होना है उसको हम आज करवाएंगे और इसकी भी वैक्सीनेशन होनी बाकी है तो इसकी भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो हम लोग वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आए हैं बालमुकुंद हॉस्पिटल। ब्लॉग में ये उल्टा दिख रहा है और यहाँ पर हम आद्या का वैक्सीनेशन करवाएंगे, पर भैयू का हम दूसरे हॉस्पिटल में करवाएंगे। आद्यू के सारे वैक्सीनेशन हमने यहीं पर करवाए हैं। चलो देख, मैं तो सबको बताने वाली थी कि आद्या कितनी ब्रेव है, इंजेक्शन लगवाएगी फिर भी नहीं रोएगी। ये तो पट्टी लगानी है खाली हमको। ये क्या है? रोना नहीं, रोना नहीं। स्प्रे है, पत्थर वाला। यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। अच्छा, अरे 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 अरे, नहीं नहीं बेटा, नहीं कुछ भी नहीं होने वाला। आपने क्या बोला तो मैं तो करवा लूंगी वैक्सीनेशन। नहीं नहीं नहीं, वही देखना है। अच्छा, निकाल के दिखाओ। लो स्प्रे लगा दी। लो स्प्रे लगा लगा अरे तो ये क्या है? यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। बताओ यूनिकॉर्न है ना? यूनिकॉर्न है ना आपके पास? खुलता है? नहीं खुलता है। तुम्हारा नाम क्या है? लिखना पड़ेगा भाई, लिखो लिखो। लिख लिख, बताओ नाम क्या है? तुम्हारे टीचर का नाम बोलो, तुम्हारे भैया का नाम बोलो, तुम्हारे भैया का नाम बोलो। तुम राखी बांधते हो ना तुम्हारे भैया को? राखी बांधते हो? बोले बांधूंगी, अभी रक्षाबंधन आएगा ना। आद्या की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है और उसके जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से उसको वैक्सीन लगाया। लेकिन वो बहुत रो रही थी। पर आदि दर्द हुआ था बेटा? बता था सही, दुखा था? कोई दर्द नहीं हुआ था। और अब ये उसके पापा फ्रूटी ले आए हैं, सॉरी फ्रूटी नहीं, माजा, तो वो इसको पिएगी। और अब हम लोग जा रहे हैं भैयू की वैक्सीनेशन के लिए और आद्या को कौन सा वैक्सीन लगा है इसके बारे में बात करेंगे हम घर पर जाकर। तो हम लोग आद्या की वैक्सीनेशन के बाद भैयू की वैक्सीनेशन के लिए आ गए हैं। ये ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम पूजन हॉस्पिटल में इसका वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैसे तो हम लोग भैयू का भाविन सर के पास वैक्सीनेशन करवाते हैं, वही इसके डॉक्टर हैं, पर अब की बार हमने इसका अपॉइंटमेंट किसी और पर लिया है क्योंकि वो 2 दिन छुट्टी पर हैं। आधे वो पीछे बच्चे लगे हुए हैं ना, पिक्स, बच्चों के फोटोज़, वो अच्छे लग रहे हैं इसको। भैयू शिवू शिवू, बात करना वैक्सीनेशन करवाने आया है, वैक्सीनेशन करवाने आया है। आपको पता चल गया वैक्सीनेशन करवाने आए हो? आपको पता चल गया?
चिबू भयू 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 आप नहीं रो ना दीदी की तरह। दीदी रोई थी वैसे, आप रो गए? दीदी रोई थी वैसे। दीदी के साथ खेलेगा, दीदी के साथ खेलेगा, दीदी के साथ, दीदी के साथ खेलेगा। अरे भैयू, अरे 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 अरे, आप तो अपने कपड़ों से भी खेल लेते हो, अपने कपड़ों से खेलते हो। ओ कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे 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 ओ ओ अभी डॉक्टर के आने में टाइम है, और यहाँ पर ये सब पीछे बच्चों के फोटो लगे हुए हैं, उन्हें देखकर भैयू को बहुत मजा आया है, बहुत एंजॉय कर रहा है। भैयू देखो तो कुछ नहीं हो जाएगा। बस 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 आंसू आ रहे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। बेचारे मेरे इस बच्चे को इतना दर्द हुआ वैक्सीनेशन के बाद, तो बेचारा रो रो के सो गया। वैक्सीनेशन के बाद शिवाक रो के सो गया था, तो मैंने इसे घर पे आकर सुला दिया है। ये आध्या का वैक्सीनेशन कार्ड है जो हमें हॉस्पिटल से मिला था। हमने सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा दिए हैं। एक लास्ट वैक्सीन है जो कि उसे 10 साल पर लगेगा, वो होगा DPT का सेकेंड डोज और सर्वाइकल कैंसर। और अभी हमने लगवाया उसको DPT MMR और पोलियो का ओरल सॉल्यूशन उन्होंने दिया है आध्या को। बेटू स्टीकर तो लगाया नहीं है न्यूमोकल का। ये तो लगा है। अरे यहाँ पे तो नहीं लगाया कि कौन सी ब्रांड का लगाया, क्या नहीं लगाया है। ये लगाते हैं ना, देख सारे में लगाया है। भैयू को ये न्यूमोकल वैक्सीन लगवाया है, और इसके ये छठवां वैक्सीन था जो हमने इसको करवाया है। ये 4.5 मंथ का हो चुका है। वैक्सीनेशन के बाद शो गया था, फिर उसके बाद वो खेलता रहा, उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आध्या भी अभी सो गई है।
वैक्सीनेशन जरूरी है बच्चों के लिए, इसलिए करवाना पड़ता है। पर वैक्सीनेशन जब बच्चे को होता है और उनको इंजेक्शन लगता है तो वो रोते हैं ना, तो इतना दर्द होता है ना, अगर आप एक माँ हैं तो समझ सकते हैं। अभी तो रात के 11 बज गए हैं, दोनों बच्चे सो गए हैं। दिन में मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चे छोटे ही हैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो फिलहाल ये लोग सो रहे हैं तो इस मौके का फायदा मैं भी उठा लेती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।